this interview. Thank you. क्या बात है. ये मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सभी लोग सामने रूबरू हैं और ये एक सिलसिला चलता आ रहा है शुरू से. तो मेरी फैमिली में सभी लोगों ने बोला कि ऑलमोस्ट काम तो कर रहे हैं, एक अपना चैनल बनाया जाए. तो ये पूरी फैमिली की तमन्ना थी कि ऐसा किया जाए और उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया. तो बस ऐसे एक कारवा बनता चला गया और ऊपर वाले ने ऐसे ज़रिए बना दिए कि साउंड स्टॉक भी कायम हो गया. उसके बाद जो एक तमन्ना थी कि पहला गाना सोनू निगम गाएं तो वो भी गाया गया. फिर बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन गाना हुआ जो आप लोगों ने देखा. तो इसी तरह से कारवा बनता चला गया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस परवरदिगार का जो आज मैं आपके रूबरू साउंड स्टॉक की बदौलत. जी तो ये हम लोग जब गाना कर रहे थे कंपोज कर रहे थे तो कौशिक ने लिखा है. तो करते करते तो ऐसे ही मुखड़ा बना. मैंने कहा यार कुछ आजकल ये रिमिक्स वगैरह तो सब आ रहे हैं, कुछ नया करते हैं कुछ अलग. तो वैसे ही साइन बना. दिल तोड़ के तो जा रहे हो, याद करोगे अब मेरे बाद किसको बर्बाद करोगे. तो ये लाइन जब कंप्लीट हुई तो मैं इसके बाद मिला इमरान से कि हमने लोगों ने मेरे दोस्त मेरे भाई नूर सिद्दीकी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे सृष्टि से मुलाकात कराई. और फिर मैं ऐसे ही एक कॉफ़ी शॉप पे बैठा था तो इमरान से बात हुई कैसे. तो इतना अधीन लड़का है, अल्लाह इसको और कामयाब करे. मेरे एक कॉल पे आया आमिर और भाई जैसा आप बोल रहे हैं वैसा मैं एग्री हूँ और मैं गाना करूँगा. और इसके साथ साथ एक चीज़ और थी सर, इसके साथ साथ ये रहा जब मैंने ये सॉन्ग सृष्टि को सुनाया तो सृष्टि बोलती है ये सॉन्ग अच्छा नहीं है. अच्छा मैंने कहा ये अच्छा नहीं है. तो नूर ने बोला कि हम लोग चलते हैं, हम बैठ के बात करेंगे. हम लोगों ने वहाँ बात की, बात करके जब सृष्टि को सुनाया तो सृष्टि बोलती है, सृष्टि की मम्मी बोलती है कि गाना बहुत अच्छा है और ये हम लोग एग्री हैं. मैं सृष्टि ऐसी कंफ्यूज थी. जब बाद में हम लोग शूट के लिए पहुँचे, ये गाना पिक्चराइज हुआ तो फिर सृष्टि बोलते सर ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि आपने गाना मेरी झोली में डाला. और फिर ये गाना जब जिसने भी सुना उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ हैं और उसका रिज़ल्ट आप सब लोग देख रहे हैं. सॉन्ग आ चुका है यूट्यूब पर और मैं बहुत खुश हूँ उसके किसी के साथ मिलने. बहुत बड़ी बात है कि मैं सर का सॉन्ग कर रहा हूँ और साथ में मेरे इमरान भाई है जिन्होंने ये मौका दिया मुझे और हमारे स्टार भी है साथ में. एंड गाइस जल्दी से जाकर देखो, बहुत सारा प्यार दो और जितने भी क्रिएटर्स हैं ज़रूर देखें. और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें. एक्चुअली मैंने जब ये गाना पहली बार सुना था तो मैंने इसका रॉड वो सुना था, वो गाना का एडिटिंग नहीं हुआ था. जब सर आए, सर ने जब वो खुद सुनाया तो मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और मैंने और मेरी मॉम ने बोला कि नहीं ये गाना हम लोग करेंगे, क्योंकि तब मेरे को रियल वॉइस उस गाने की समझी. मेरे लिए ये पहला गाना था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. सर ने मेरे टैलेंट को समझा. आमिर इज़ अ को एक्टर, ही मेड मी फील वेरी कम्फर्टेबल बिकॉज पहले गाने में आपको कैमरा के साथ बहुत कंफर्टेबल होना होता है. इमरान सर, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक एक सीन पे मेहनत किया कि कहाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, कहाँ मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ. और ऑब्वियसली नूर सर, जिन्होंने मेरे अंदर वो टैलेंट समझा, मेरे को सर से मिलवाया और आज इनकी वजह से ही मैं यहाँ पे बैठी हूँ.
तो जाओ इस गाने को बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो इनके चैनल। ये सेकंड लीड है सर हेमंत आर्या हैं, तो उनसे एक्चुअली जब साहब भाई से मिले थे तब ये जब गाना आया था, तो अगर आप ये गाना सुनेंगे तो इस गाने को आपको 3 या 4 बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गाना ऐसा कि एक बार सुनने के बाद भी आपको उसके लिरिक्स भी बढ़िया आ गई। तो जो और जब ये इसकी शूटिंग हुई आमिर भाई सृष्टि इन लोगों के साथ काम करने में भी मज़ा आया और साहब भाई के साथ तो मैं जुड़ा ही हूँ हमेशा के लिए। बस वही है, आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के आपको गाना पसंद आएगा हमारे दिल को। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सवा भाई को कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। हम लोग जब साउंड स्टॉक ओरिजिनल के बारे में सोच रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे, भाई ने कहा कि अपना चैनल बनाना है क्योंकि सारे लोग आजकल अपना अपना चैनल लेके आ रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ ऐसा क्यों ना करें। तो मैंने कहा भाई आइडिया अच्छा है करते हैं। तो भाई ने कहा यार ये एक ट्यून उन्होंने मुझे सुनाई, एक कंपोजिशन सुनाई और सुनने के बाद फिर बोले इस पर कुछ लिखो। तो ऊपर वाले का करम हुआ, मुझे आता नहीं है, बस ये आता हो गया, तो ये लिख गया और बहुत मज़ा आया क्योंकि भाई की जो कंपोजिशन होती हैं वो बहुत ही मेलोडियस होती है, दिल को छू जाने वाली होती है और दिल तो नहीं टूटा है ये तो अतिरिक्त एड्रेस तो लिख लेता हूँ अलग चीज़ है। और यही बात दूसरी तो मैं आप सबके लिए कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में दो ही चीज़ ऊपर तक लेके जाती है, ऊंचाई तक लेके जाती है, एक तो सीढ़ियाँ और दूसरी मीडिया। तो आप सब लोग हम पे यूँ ही अपनी कृपा अपनी अनुकंपा बनाए रखें, हम लोगों का हमेशा यूँ ही साथ देते रहें। हमने बदमाशियाँ शुरू कर दी हैं तो आप इसे लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं सभी ऑडियंस से कहूँगा कि बहुत अच्छा गाना है, सोनू भाई ने बहुत कमाल का गाया, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम ही काफ़ी है। भाई जिस घराने से हैं यहाँ पे इनके तो ब्लड में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा संगीत ही बहता है। तो बाकी इमरान भाई ने बहुत अच्छा काम किया, सृष्टि जी ने अच्छा काम किया, हेमंत भाई ने अच्छा काम किया, आमिर भाई ने अच्छा काम किया, पूरी ही टीम ने बहुत अच्छा काम किया, रमीज ने इतना अच्छा काम किया कि वो मतलब हम रमीज के साथ मैंने बैठ के काम करवाया, साथ में वहाँ मैं रहा हूँ, मैंने उसे काम करते देखा है, ही इज़ ब्रिलियंट। तो बस यही है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप सब लोग अगर इसे सुनेंगे तो वो हमारे इस मेहनत का पारितोषिक होगा। तो प्लीज़ सभी लोग हमारे इस गाने को देखें, अपना प्यार दें, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी सॉन्ग आ रहे हैं और बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगरों ने गाए हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है, मैं इस मीडिया से जुड़ा हूँ काफ़ी अरसे से, बिकॉज़ हिमांशु भाई मेरी जान और उन्हीं की बदौलत आज शबाब साबरी जो मीडिया में रूबरू होता है तो वो ओनली एक ही नाम है हिमांशु जुड़ू वाला। तो मेरी खुशनसीबी ये रही है कि इस काम को आगे बढ़ाया गया और तमन्ना यही है कि आगे भी जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं, ऑलमोस्ट कई काफ़ी सिंगर्स को डब कर चुका हूं जिनके काफ़ी बड़े नाम हैं, उनके रोमांटिक सॉन्ग और धाकड़ सॉन्ग आपको सुनने को मिलेंगे अलग अलग जॉनर में, और बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े सिंगरों ने गाए हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सॉन्ग आपको सुनने को मिलेंगे और इंशाल्लाह आपका प्यार ऐसे ही बरसता रहेगा। और मैं सबसे पहले इमरान के रूबरू चलता हूँ, इस गाने के कोरियोग्राफर डायरेक्टर इमरान हैं, तो आप इनसे गुफ्तगू कीजिए। जाके रिजल्ट आ रहा है और पूरी टीम ने हमारी बहुत मेहनत करी है,
भाई ने सपोर्ट, अमीर का सपोर्ट, सिस्टी का सपोर्ट, हेमंत भाई का, और सभी ने पूरी टीम ने मेहनत करी इसको बनने के लिए। मेरा अकेले आपको छाती है, इसमें सबका हाथ है। तो हम लोग आज गाना आप देखोगे यूट्यूब पर जाके तो वो सबकी मेहनत दिख जाएगी। बिल्कुल। और मैंने ट्राई किया, शायद मैं उस पर क्या उतरा हूँ, आप लोग के ऊपर है, आपको देखिएगा और प्यार दीजिए उसको। बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है जी रमेश को, तो प्लीज़ बुलाए क्योंकि उसका बेस्ट है। जी भाई, रमेश के लिए क्या कहना चाहिए? रमेश के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए रमेश के आने में फैन चालू हो गया है। तो रमेश के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद लेजेंड इकबाल साबरी, अंकल अफजाल साबरी, इंडियन साबरी ब्रदर्स इकबाल अफजाल साबरी, तो मेरे घर में जब वर्क होता था तो मेरे दादा उनको सुनते थे तो दुनिया तारीफ़ करती थी और दादा बोलते थे हाँ ठीक है इकबाल अफजाल साहब भी सही है। तो फिर मेरा एक थोड़ा सा वक्त हुआ तो दुनिया तारीफ़ करने लगी, शबाब बहुत अच्छा गा रहा है, तो डैडी बोलते थे हाँ हाँ ठीक है वरना उड़ने लगेगा। क्योंकि एक दुनिया में वाहिद एक बाप ऐसी चीज़ होता है जो ये सोचता है कि मेरी परवाज़ उड़ान यहाँ तक हुई है, मेरा बच्चा मेरी औलाद यहाँ तक उड़े तो मज़ा है, इसके अलावा और कोई शख्स नहीं है कोई भी हो। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे तीन बेटे हैं रमीश, सुहेल, रयान, और वो माशाल्लाह इनका ये एक शौक़ है, ये कर रहे हैं। और इनका मैं ये बोलता हूँ पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं माशाल्लाह, मगर वो ब्लड का असर नहीं जाता है। और माशाल्लाह जो ये साउंड डिज़ाइनिंग की है पूरा गाना वो रमीज़ ने किया है, ऑलमोस्ट सारे ट्रैक रमीज़ कर रहा है, सुहेल मेरे साथ कंपोज कर रहा है मेरा छोटा बेटा। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि ये अभी से मेरे सहारा बनना स्टार्ट हुए हैं। अल्लाह आप लोगों की दुआएं लगाएं और ये कायम दायम रहे और आगे तक हम ऐसे ही चलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत हैप्पी हूँ इस सॉन्ग के लिए, एक चैनल की बिल्डिंग के लिए कि ऐसा सॉन्ग से हम लोग का स्टार्ट हुआ। एंड बाकी सब तो सब जो भी प्रोजेक्ट है ये टीम वर्क है जो लीड करें डैडी, सब साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ जो भी स्ट्रक्चर रहता है सब डिज़ाइनिंग एंड ऑल, तो सब डैडी का एक प्रोजेक्ट है उन्होंने करा है। एंड हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको सब रिजल्ट दिख रहा है जो सॉन्ग आउट। सर एक सवाल मेरा आपसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी न्यू बिल्डिंग चैनल है, नाम ही है दिल तोड़ के, ऐसे में जाहिर सी बात है स्टोरी में दिल टूटा जरूर है हीरो हीरोइन का, ऐसे में फैंस को आप कैसे बताना चाहेंगे कि ये सीन में दिल कितना टूटा और केमिस्ट्री क्या है, स्टोरी बताइए आप। देखिए दिल तोड़ के पहली बात तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी ये रही है कि जब टाइटल आया है दिल तोड़ के तो मेरे पास इतने कमेंट आए हैं, तो उन लोगों ने बोला है कि ये गाना आपने रिमिक्स किया है क्योंकि वो भी सोनू भाई ने गाया है। और जो आपको स्टोरी बोर्ड देखना है तो आपको इस गाने में लगेगा क्योंकि हेमंत सेकंड लीड कर रहे हैं, आमिर फर्स्ट लीड हैं और सृष्टि हैं। वो आपको मैं बता दूंगा तो फिर आप गाना क्यों नहीं देखेंगे, पहले आप गाना देखिए, पूरा स्टोरी बोर्ड आपको उसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू। Yes, sir.